Good morning and gents, all of you. This is Rashmi Singh from BS Law from Public School, and today we are going to start with Chapter 3 of Science. This is the Chapter 3. I hope all your papers were good. So, starting from the chapter, what is the name of the chapter? The name of the chapter is Fiber to Pancreas. Fiber to Pancreas. Dekhi, fiber ka matlab kya hota hai? Fibers ka matlab hota hai reshe. फाइबर्स का मतलब क्या होता है? रेशे। आपने कभी कभी ऐसे कपड़े पेपर में मस जाता होगा, आप उनके इससे पार्ट्स हो और यहाँ से आप उसकी एक 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 मतलब ये तो धागा हो गया रेशे, या तो आप घर में जब धागा होगा तो उसको खोलिएगा तो उसमें तीन चार रेशे एक तरह से लटके हुए रहते हैं, ठीक है? या तो हो गया फाइबर्स। फैब्रिक किसी कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं किसे? कपड़े। किसी कहते हैं? कपड़े। आप इसे क्लॉथ भी कह सकते हैं। या तो इसका इन्वेंशन हुआ किसको? क्लॉथिंग का इन्वेंशन लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था। और पहले जो पहले अर्ली बोन्स थे वो उनके पास नीडल्स नहीं थे, वो लोग जो बोन्स होते थे इनसे ही इसकी स्टिचिंग करते थे, जो भी वो कपड़े बनाते थे उसकी स्टिचिंग वो लोग बोन्स की हेल्प से करते थे, ठीक है? उसको अलग अलग शेप देके उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टिचिंग करते। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को यार्न। यार्न मेड ऑफ फाइबर्स। यार्न क्या होता है? यार्न आपको क्या है? यार्न किसे कहते हैं? यार्न कहते हैं थ्रेड को, धागे को। यार्न किसे कहते हैं? धागे को। धागा किससे बनता है? रेशों से। किससे बनता है? रेशों से, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइबर्स। क्या कहते हैं? फाइबर्स। यार्न मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है? और फैब्रिक्स जो होते हैं, अब रेशों से बन, फाइबर्स से बन गया यार्न, रेशों से बन गया धागा, और धागे से क्या बनेगा? कपड़ा। क्या बनेगा? कपड़ा, को जिसे आप क्लॉथ कहोगे, तो नॉर्मल समझेंगे यार्न मेड अप ऑफ फाइबर्स, ओके? एंड फैब्रिक व्हिच इज मेड अप ऑफ यार्न, दैट इज थ्रेड। फाइबर्स रेशो को कहते हैं, यार्न को धागा कहते हैं, फैब्रिक को कपड़े कहते हैं, क्लॉथ कहते हैं, ठीक है? अब ये मन में सवाल आया कि मैम फाइबर्स कहाँ से आए? भाई आपने तो जान लिया कि हाँ फिर कपड़े उसकी स्टिचिंग की गई उसके बाद आप उसको पहनते हो, बट हमें फाइबर्स कहाँ से मिलते? तो बेसिकली फाइबर्स हमें दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आप ये ले सकते हैं, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल थिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर मेनली ऑब्टेन बाय या मेनली सॉरी मेड बाय मैन विद मटेरियल सच एज मेनली पेट्रोलियम आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। सो नेचुरल फाइबर्स में अब देखिए फाइबर्स में नेचुरल फाइबर्स में या तो हमें को फाइबर्स प्लांट्स से मिले होंगे या तो हमें कहाँ से मिले होंगे? एनिमल्स। अब जैसे जूट एंड कॉटन, आपने जूट के बारे में सुना, जूट की आपने बोरी देखी होगी, जूट की बोरी जो आप प्लांट्स जो होता है जिसमें गेहूँ अनाज अनाज रखा जाता है, ग्रेन्स रखे जाते हैं, तो प्लांट्स हमें कौन सा फाइबर्स ऑब्टेन होता है प्लांट से? जूट, कॉटन, ठीक है? और एनिमल्स से सिल्क एंड वुल। Natural plants and animals or from synthetic
याद तो नहीं। अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, बट हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें जूट, कॉटन, सिल्क, वुल इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप मेरा ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।